एक आम दुकान पर सजा था बड़ा प्यारा। एक बात बताऊं, एक आम से बात याद आ गई। महापुरुषों की करुणा देखो, प्रेम देखो। मेरे एक क्या संबोधन करूं, मोह तो है नाते अनेक। आप सब लोग जानते हो, जहां जहां सुन रहे हैं वो भी जानते हैं, मेरे गुरुजी हैं महाराष्ट्र के पास गुजरात बरुमाल में। अभी आम का सीजन शुरू हुआ, करुणा की बात कर रहा हूं। जब उनके पास जब आम आए तो उन्हें याद आई कि आम विष्णु को बहुत पसंद है। मेरे पास यहां कोई आमों की कमी तो है नहीं, लेकिन इतना प्यार इतना स्नेह उनको लगा कि कैसे मैं आम बामोर आश्रम पे पहुंचाऊं। लाना उसमें से पेटियां से, पेटियों डाले आना। आज ही आए हैं सुबह, वहां से नासिक, नासिक से ट्रेन में भेजे पार्सल करके, और फिर फोन किया कि मैंने तेरे लिए आम भेज दिए हैं। क्या ऐसा माही तो करती है ना, है टिफिन लगाती है। कहां गुजरात, गुजरात से पहले बरमाल से नासिक पहुंचे हैं, अभी वो नासिक में हैं, फिर वहां से फिर आम फिर पार्सल करना, ट्रेन में भेजना, और ऐसे कोरोना काल में कॉल किया आम आ रहे हैं। वो आम थोड़े ही है, वो हृदय का प्रसाद है, गुरुओं की करुणा है। उसे आम कहना अपराध है, उसे वस्तु कहना अपराध है। कहां से चल करके ये करुणा, कहां से चल करके ये प्रेम, कहां आया है। कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसार सारम भुजगेन्द्र पंडित जी। रोजाना इन प्रसाद में से भागवत जी पर चढ़ेंगे, फिर मुझे मिलेंगे, ठीक है। करुणा बतारम कर्पूर गौरम करुणा बतारम। भरी इनकी आंखों में। और पता है, हमने एक बात देखी। मैं आश्रम पे वहां जब जाता हूं रहता हूं, तो जब भी उन्हें भूख लगेगी सबसे पहले किसी को भेजेंगे, बुला के लाओ मैं खाऊंगा, मेरे साथ खाएगा। दूसरी बात, वहां आश्रम पर एक सेवक ने जब उनकी उनका एक नाम देना था, गुरुजी का नाम देना था किसी को, मंच से उन्होंने कहा जिनको हमारे गुरु के रूप में दुनिया जानती है वो गुरु नहीं है। और वहां के जो मैनेजमेंट संभालती है कृष्णा दीदी, उनको कहा कि ये मैनेजर नहीं है, ये माँ भी नहीं है। बोले तो ये पिताजी हैं और गुरु माताजी हैं, क्योंकि पिताजी कड़क होते हैं
मैनेजर को कड़क रहते हैं मैनेजर, लेकिन गुरु कोमल होता है, वो कठोरता नहीं बरत सकता, इसलिए गुरु माँ है। और उसकी कोमलता के कारण ही लोग उनके जीवन में टिके रहते हैं। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, हे करामात क्या उनके चरणों की रज में है, करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, पतितों को पावन, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरस मासा हारी से पूछो, जटायु सरस मासा हारी से पूछो, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, ओ, आ, ओ, 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 प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, तुम्हें ज्ञात हो राजा वन की कहानी, निराधार का कौन, निराधार का कौन आधार जग में, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो।
कृपा उनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, बताएंगे भृगु जी वो सब जानते हैं। हृदय उनका भावों का, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। बेधुर सवरी से वारी वारी से पूछो, बेधुर सवरी से वारी वारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा पुजारी से पूछो, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा। बिधुर सबरी से बारी बारी से पूछो, बिधुर सबरी से बारी बारी से पूछो, बेधुर सबरी से बारी बारी से पूछो। भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा पुजारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन, पतितों को पावन वो कैसे बनाते, जटायु सरिस मासा हारी से पूछो, जटायु सरिस मासा हारी से पूछो। कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो महापुरुष करुणा का अवतार होता है। वैसे सच में महापुरुष की जिंदगी को परमात्मा चलाता है, क्योंकि महापुरुष संसार के काबिल तो रहता ही नहीं है, क्योंकि संसार के साथ में बरतने के लिए संसार के जैसा बनना पड़ता है। लेकिन महापुरुष को, किसी बुद्ध पुरुष को परमात्मा संभालता है और उसके आश्रितों का निर्माण भी। जब कोई महापुरुष परमात्मा के भरोसे होता है तो उनके आश्रितों का पालन पोषण योगक्षेमम वहाम्यहम वह भी परमात्मा ही करता है, लेकिन उसका तरीका कुछ विलग होता है। तो मैं कह रहा था कि अनुभव की बात वो ये कि गुरु
इतना कोमल होता है कि वो अपने शिष्य के साथ जैसे माँ अपने बालक के साथ कठोरता नहीं बरत पाती, अपने ममता के हाथों मजबूर हो जाती है, ऐसे गुरु अपनी करुणा के हाथों मजबूर हो जाता है। वो नहीं परीक्षा ले पाता, उसका निर्माण नहीं कर पाता, उसे तपा नहीं पाता करुणा के हाथों मजबूर होने के कारण। इसलिए हमेशा देखना, घरों में जब बच्चा कोई गलती करता है तो बाप कहता है तुमने बिगाड़ा, तुमने बिगाड़ा। और कभी कभी शिष्यों में भी लोग गुरु से कहते हैं, कोई आदमी थोड़ा सा कुछ गलत कर दे, तुमने सिर पर चढ़ाया, तुमने उसे बिगाड़ा, तुमने उसको ऐसा कर दिया। लेकिन पता नहीं नादानों को कि वो जो इंसान बना है वो मां की करुणा के कारण ही बना है, जो इंसान बना है गुरु की करुणा के कारण ही बना है, उसकी ममता ही उसका निर्माण कर रही है, उसकी करुणा ही उसका निर्माण कर रही है। रही तपाने की बात, जब गुरु नहीं तपा सकता, मां उसे नहीं तपा पाती, तो फिर परमात्मा समाज को तैयार करता है, फिर उसे समाज तपाता है। तो शिष्यों के साथ में जो समाज की जो मुठभेड़ होती है, वाक्य युद्ध होता है, आक्षेप प्रत्याक्षेप होते हैं, ये उसका तपना है। क्योंकि गुरु नहीं तपा पा रहा था करुणा के कारण, कोमलता के कारण, इसलिए परमात्मा ने फिर समाज को तैयार किया। क्योंकि गुरु चाहता तो है कि ये तपे, लेकिन खुद अपने स्वभाव से मजबूर है। इसलिए कभी जब माँ अपने बच्चे को दंड नहीं दे पाती तो बस एक बात कहती है, आने दे तेरे पापा को, आने दे तेरे पापा को। तो गुरु माँ है, वह दंड नहीं दे पाता अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर के, तो फिर वो कहता है, फिर वो जैसे माँ उसे अपने बाप के हवाले कर देती है, ऐसे ही गुरु अपने शिष्यों को परमात्मा के हवाले करता है। क्योंकि परमात्मा सारे रूप धारण करना जानता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, क्योंकि वो पिता भी बनना जानता है। गुरु के लिए पिता बनना थोड़ा कठिन होता है कोमलता के कारण, लेकिन परमात्मा समाज के रूप में, समाज भी परमात्मा का रूप है। और पता है हम गाते हैं लेकिन कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते। एक गजल है बड़ी प्यारी, कोई भी दे दो उसी में गा देंगे। हंसी बांटता है, खुशी बांटता
हाथों से, चाहे किसी और के हाथों से, हैं? सारे हाथ उसी के तो हैं। हथेली बदल कर वही बांटता है, हथेली बदल कर वही बांटता है। पहचान कैसे हो कि समाज के द्वारा जो भी हमें तपाया जा रहा है यह परमात्मा की देन है? समझ में कैसे आए? जब समाज के द्वारा हमको तपाया जा रहा हो और गुरु जिस समय मौन सहमति दे रहा हो, मौन सहमति दे रहा हो या तपाने वालों का सहयोग कर रहा हो, तो समझना कोई बहुत गहरा दोष बैठा है। उस दोष को खत्म करने के लिए गुरु की सहमति से परमात्मा ही समाज का रूप धारण करके हमको तपा रहा है। और यह वृत्ति यदि हमारी बन गई तो हमें किसी के भी प्रति द्वेष नहीं होगा, क्योंकि हमें लगेगा ये तो माध्यम है, इसके पीछे हाथ किसी और का है। ये तो माध्यम है, इसके पीछे हाथ किसी और का है। जब ये वृत्ति होगी तो हमें कुंती की वृत्ति समझ में आ जाएगी। जब कुंती कहती है ना